सौ बरस की तैयारियां हैं, सौ बरस की ये तैयारियां हैं, और अभी का भरोसा नहीं है। और बीती रात आपको बता दें शबे बारात की, शब कब्रिस्तानों में रही रोशनी, और कब्रिस्तान आपको बता दें जहां पर मुर्दे सुपुर्दे खाक हैं, उनके कब्रों पर रोशनी जगमगाहट बखूबी आप देख रहे हैं। ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कब्रिस्तानों का, जहां पर अपने अपनों को याद करने गए। सवाल यह है कि दुनिया में लोग बातों से याद करते हैं, दुनिया में बातचीत से याद किया जाता है, लेकिन ये जगमगाहट देखिए, यहां पर गए और दुरूदों की बारिश करी, और दुरूदों की बारिश करने के बाद जो जगमगाहट आप देख रहे हैं, ये कब्रिस्तानों का बीती रात का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। शबे बारात की शब और कब्रिस्तानों में जगमगाहट रोशनी, कब्र से हर आपको बता दें रूह सवाब। जाहिर सी बात है जब अपने अपनों को याद करने गए तो आप सोचिए उनकी रूह को कितना सवाब मिला होगा, और उनकी रूह ने जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो बदनसीब दुनिया में जिंदा हैं औलादे जिनके माँ बाप नहीं हैं, अपने माँ बाप की कब्रों पर गए वो, और जाने के बाद दुरूदे पड़ी बख्शा, और उनके साथ साथ जो कब्रों में दफन थे, जो जान पहचान के नहीं थे अनजान थे, उनको भी बख्शा। आप सोच सकते हैं कि उनकी रूह ने कितना सवाब दिया होगा, और जो लोग जिंदा हैं अपने माँ बाप उनके गुजर गए हैं और वो अपने माँ बाप की कब्रों पर नहीं गए दुरूदे पढ़ने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कितने बदनसीब हैं वो, जो अपने जो माँ बाप जो गुजर गए दुनिया में नहीं है, सुपुर्दे खाक हैं, उनको याद करने नहीं गई उनकी औलादे, तो आप सोच सकते हैं जिंदगी में कभी सरसब्द नहीं हो पाएंगे वो लोग जो अपने माँ बाप की कब्रों पर नहीं गए, या माँ बाप के लिए दो दुरूदे पढ़ के नहीं बख्शी, या जिंदगी में भी उनको सताया और मरने के बाद भी उनकी कब्र पर दो दुरूदे पढ़ने नहीं गए। बेशक हदीस का बयान है, कुरान का बयान है, अल्लाह का बयान है कि जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया दुनिया में और वो रोते हुए चले गए, जाहिर है कि जिंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे और ना ही आकबत में अल्लाह उनको कोई जगह देगा। लेकिन बीती रात का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, कब्रिस्तानों में जगमगाहट रही रुए, जाहिर सी बात है कब्रों के अंदर जो लोग तशरीफ फरमा है, आप सोचिए उनकी रूह कितना सवाब दे रही होगी हम लोगों को, हम लोग जो गुनाहगार दुनिया में मौजूद हैं, और जो लोग नहीं हैं, जो कब्रों में दफन हैं, कब्रिस्तानों में हैं, तनहा लेटे हुए हैं, कोई नहीं पूछने वाला है, और सिर्फ अगर उनको फायदा पहुंचाया जाएगा तो सिर्फ दुरूदे हैं जो अपने पुरखों को जो दुनिया में नहीं है उनको दुरूदे बख्शी जाएंगी, और उनका गुनाहों का बोझ की जो गठरी है वो शायद हल्की हो जाए। कुल मिला के अल्लाह ताला जो दुनिया में नहीं है उनके गुनाहों को बख्श दे और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम तक फरमाए। लेकिन बीती रात का नजारा एक बार फिर देखिए, जगमगाहट कब्रिस्तानों में, अपने गए अपनों को याद करने के लिए दुरूदे पढ़ के बख्शी, लेकिन इसके साथ साथ मस्जिद में उलमा भी क्या कह रहे थे इस मामले में, जरा सुनिए। दौलतों पे न फूलो समाओ, दौलतों पे न फूलो समाओ, इस खुशी का भरोसा नहीं है, बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं है, एक चरागे मोहब्बत जलाओ, कब्र को अपनी रोशन बनाओ, एक चरागे मोहब्बत जलाओ, कब्र को अपनी रोशन बनाओ, हश्र तक इसमें सोना पड़ेगा, हश्र तक इसमें सोना पड़ेगा,
रोशनी का भरोसा नहीं है। हश्र तक इसमें सोना पड़ेगा, रोशनी का भरोसा नहीं। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.